हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ है किसी ग्राफ जो हमारे पास एक सिंपल ग्राफ होगा उसी का ही हम कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक सिंपल ग्राफ जी ई वी इज डिफाइंड एज ए ग्राफ जी डैश वी ई, या फिर हम इस तरीके से बार लगा के इस तरीके से लिख सकते हैं। जब भी हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री को निकालेंगे तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसमें बोला जाता है कि विच हैज सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स एज इन द ग्राफ जी वी ई। जितने ही वर्टेक्स हमारे एक सिंपल ग्राफ में है उतने ही उसके कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ में होंगे। टू वर्टेक्स इन ए ग्राफ जी वी ई आर कनेक्टेड, जो है इसमें वही कनेक्टेड होंगे जो हमारे जी वी ई में कनेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब कैसे है इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास फोर वर्टेक्सेस हैं, 1 2 3 4, इसी का ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है हमें। पहले हमने फोर वर्टेक्सेस ले लिए, ठीक है, जो आप जिसकी पोजीशन है वो वहीं ले लिए। ठीक है, उसके बाद हमें जो जी ई वी में जिसमें हमारा कोई एज बन नहीं रहा है, ठीक है, तो मान लो अब हमारे यहाँ ये है इसलिए हम इसे नहीं मिला सकते इसके कॉम्प्लीमेंट्री में। हमारे पास यहाँ एक बन सकता है तो इसे बनाएंगे, हमने यहाँ एक बना दिया है, ठीक है, एक यहाँ बन सकता है, एक इसको बना दिया, एक ही। हम इसमें ऐसा भी कोई एजेस ड्रॉ नहीं करेंगे जो हमारे एक सिंपल ग्राफ में दे रखा है, वो ही एजेस बनेंगे जो हमारे एक सिंपल ग्राफ में नहीं दे रखे हैं, जो पॉसिबल हो सकते हैं एक ग्राफ में। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल है। जैसे अब हमारे पास ये है, ठीक है, इसमें हमारे ये फाइव वर्टेक्सेस है, हमने फाइव वर्टेक्सेस बना लिए। उसके बाद हमें कौन से पॉसिबल हैं ग्राफ जो एजेस बन सकते हैं, ठीक है, ये है V5 है, V5 V2 और V3 से कनेक्ट है, तो अब हमारे पास क्या हो सकता है, V1 और V4 से कनेक्ट हो सकता है, तो इसलिए हमने V5 को V1 और V4 से कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से V4 है, V1 और V2 से कनेक्ट है, तो इसमें हम कनेक्ट नहीं कर सकते, उसे सिर्फ 5 और 3 से कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ कनेक्ट है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से 3 के लिए भी हमने चेक किया, वो सिर्फ 4 और 2 से कनेक्ट हो सकता था, हमने वो ही कनेक्ट करा, और फिर 2 के लिए भी इसी तरीके से करा तो हमारे कनेक्ट हो गया। इस तरीके से ये हमारा सिंपल ग्राफ है और ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ है। ये सिंपल ग्राफ था, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, आपके पास दो डायग्राम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि क्या ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ है, तो आपको इस तरीके से चेक करना होगा।